यारो तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे YouTube चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और आपका भाई आ चुका है आप लोगों के पास एक बार फिर एक और रिएक्शन वीडियो लेके। सो कलम इंक हैज ड्रॉप्ड हिज लेटेस्ट ट्रैक जिसका नाम है कलमकार। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बिकॉज इज इट समथिंग फॉर द लेबल और इज इट जस्ट अ वर्ड प्ले। सो ये गाना दो दिन पहले आ चुका है तो मैंने सोचा था उसी दिन रिएक्शन आ जाएगा मेरा, बट समहाउ यहाँ पे वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा तूफान आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल डाउन है तो इसके वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो अब हम आ चुके हैं तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, वी विल जंप इनटू द ट्रैक स्ट्रेट अवे। एंड टू ऑल द कलमिंग फैंस, टू ऑल माय पीपल फ्रॉम द माउंटेन्स, अगर पसंद आई ये वीडियो, अगर पसंद आई ये रिएक्शन तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को प्यार दो बिकॉज दैट वी ऑल नीड। और मैं एक दूसरा चैनल भी खोल रहा हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा जहां पे मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, अगर ट्रैवल कहीं कर रहा हूं तो ट्रैवल ब्लॉग्स भी अपलोड करूंगा, तो उसे सब्सक्राइब करके भाई को प्यार देना। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रैक नाउ, कलम इंक बाय कलम, माई बैड कलम, व्हाट द फक, मैं क्या बोल रहा हूं, एम आई हाई, नो आई एम नॉट। ओके सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन फॉर द ट्रैक कलमकार बाय कलम इंक। चलो ओके नाउ इट सीम्स लाइक ये कार्ड देख के मुझे लगा ही न्यूली ब्रॉट इट, मैंने भाई के इंस्टा पोस्ट पे देखा था, तो मोस्ट प्रोबेबली ही प्लेड विद द वर्ड कलमकार। या हमारा दूसरा शो है खुदा से पूछता का तू, रोज अंधेरे में मैं ढूंढू रोशनी, आलेगी मुझे खुद वो खोज जरा तो होश में सो। दैट वाज समथिंग कूल, मींस अ डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। ये बार लिखने के पीछे वो थॉट प्रोसेस ही कुछ अलग है। अंधेरे में मैं ढूंढू रोशनी, आलेगी खुद वो मुझे खोज, मींस समथिंग लाइक दैट। कि वो बोलते हैं ना कि जिसे जो चीज, जो बंदा जो चीज डिजर्व करता है वो कहीं ना कहीं उसे मिल जाता है, तो मैं उसे ढूंढने निकलू या फिर अगर मैं डिजर्व करता हूं तो वो खुद ही मुझे ढूंढ लेगी। इट्स समथिंग लाइक दैट, द थॉट प्रोसेस इज समथिंग लाइक दैट आई गेस। हमारा दूसरा शो है, खुदा से पूछता का तू, रोज अंधेरे में मैं ढूंढू रोशनी, आलेगी मुझे खुद वो खोज जरा तो होश में सोच, बाप दिल से खिला रहा या मैं बाप पे बोझ, ये 22 साल उम्र लड़का कर रहा बिल्स पे, ये गाने जैसे धोखा जानी सीधा लगते दिल पे, ये टेक्निकल जो रैपर हैं तुम सबको ला दो सामने, इनके गाने नहीं चले तो फड़वे लगे लो भी छापने, ये चाहते मुझको गिराना पड़ता ही। फायरिंग सम शॉट्स, मुझे ऐसा याद नहीं है दैट ही गॉट बीफ विद समवन और ही गॉट सम इश्यूज विद समवन, बट हियर क्लियरली भाई ने कुछ शॉट्स तो दिए हैं कि ये जो टेक्निकल रैपर्स है भाई इनके गाने नहीं चल रहे तो ये अब लोफी छाप रहे हैं, तो इट्स क्लियरली ही फायर्ड सम शॉट्स, बट वो किसके लिए है आई हैव नो फकिंग आइडिया। ये क्या यार, मैंने ये मैं अपने फोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी कैमरा, तो अभी मैसेजेस आ रहे थे तो थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी तो उसलिए थोड़ा सा पॉज लिया। ओके सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक एंड लेट्स लिसन टू इट अगेन। रैपर हैं तुम सबको ला दो सामने, इनके गाने नहीं चले तो फड़वे लगे लो भी छापने, ये चाहते मुझको गिराना पड़ता ही, इनकी जमीनी में लंबा कूदा गेम में, ये जीन्स बग्स बनी की ये फेम पते, लंबा कूदा गेम में ये जीन्स बग्स बनी की, बग्स बनी इज अ रैबिट एंड वी नो हाउ रैबिट हॉप्स, बहुत दूर तक कूदते हैं। सो दैट्स मींस टिपिकल कलम इंक्स राइटिंग, टेक्निकली काफी ज्यादा अच्छा साउंड कर रहे हैं, काफी ज्यादा गिराना पड़ता ही, इनकी जमीनी में लंबा कूदा गेम में, ये जीन्स बक्स बनी की ये फेम पाते, बीफ से फिर कहते सुनते घीता भी, कुछ रैपर मेरे आइडल थे अब शर्म इनसे सीखा की, मैं दिल से लिखूं रैपर्स मेरे आइडल्स थे अब शर्म इनसे सीखा की। वो दैट्स समथिंग डिफरेंट एंड दैट्स समथिंग की भाई मैं उन्हें सुनता था, दे वर आइडल टू मी, और अब मुझे शर्म आती है कि मैंने क्यों सीखा उनसे, फक ये किसके लिए है पता नहीं क्यों, ऐसी एक दो बार से ऐसे एक दो शॉर्ट्स है और टाइटल में कलमकार है तो इट स्ट्रेट अवे मेरे दिमाग में इंडिकेट कर रहा है कि इट्स समथिंग फॉर कलमकार, नो आइडिया नो आइडिया, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं इसके ऊपर। चलो फैक्ट, दैट्स अ गुड बार, मींस इट्स अ फैक्ट एट द सेम टाइम इट्स अ फ्लेक्स कि भाई इधर लोग एड्स लगा रहे हैं अपने वीडियो को चलाने के लिए, वो वायरल करने के लिए, मिली मारने के लिए, बट भाई यहाँ पे ऑडियो ट्रैक्स पे मचा रहे हैं,
Along with Kalam Inc, I know another artist, one of my favorite, who is doing the same thing. And the name is Bella. भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इंडस्ट्री में डीएचएस में क्या हो रहा है, कौन किससे माचुदा रहा है, भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता. ही जस्ट ड्रॉप्स हिज म्यूजिक और कंसिस्टेंटली ड्रॉप हिज म्यूजिक और बाकी भाई अपने फैंस पे छोड़ देता है और लोग भाई मचा देते हैं. ही गॉट अ कल्ट फैन बेस. वो सीन में ना चाटी तेरी तरह मैंने कांड ब्रो, तो मुझको अपना बाप बोल. मैंने बचपन देखा सड़कों पे, अब सड़के देखो गुजरती. जब बेटा करता नशा तो सोच माँ पे क्या गुजरती. जब माँ बोली कि बेटा इस दुनिया के जैसा बनना नहीं, पर दुनिया देती काली माँ तो माँ की चूत इस दुनिया. अब फ्लेक्स करूँ शूज ये खुद के, पापा छाती रखना चौड़ी जितना झुकना था झुक. गोस्ट राइट, बिकॉज मैंने कलमिंग एक हर पोस्ट पे देखा है, गोस्ट का एक कमेंट तो रहता है. एंड दैट्स गोस्ट इन द वीडियो. फ्लेक्स करूँ शूज ये खुद के, पापा छाती रखना चौड़ी जितना झुकना था झुक गए. अब घर पे कमरे छह पर रहने वाले चार, माँ को लेबल्स का पता नहीं पर जानती कलमकार क्या. मैं ठग से छू दूँ मौत, लेबल्स का पता नहीं पर वो जानती कलमकार क्या. सो इट्स दैट अ शाउट आउट टू कलमकार. सीम्स लाइक इट्स अ शाउट आउट टू कलमकार कि माँ को ज्यादा पता नहीं हिप हॉप के बारे में, बट शी नोज अबाउट द लेबल कलमकार. सीम्स लाइक साउंड तो ऐसा कर रहा है, बट अगर पीछे का कुछ मीनिंग अलग हो तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. राइटिंग स्किल्स जैसे गॉड्स के सांसे बढ़ रही हैं, ऑप्स की के कलम कुछ ना बोलते. मैं खड़ी नहीं हूँ देखता क्योंकि वहाँ पे कांटे बहुत हैं. सिंहासन कंधों पे उठाया हुआ बैठूंगा एक दिन टॉप पे और रोल पूरा डीएचएच होगा. इतना ज्यादा क्रेज होगा जितना सोचा भी नहीं होगा. माँ तेरे ना लायक छोटे बेटे का असला रखूंगा साथ में, तब मैं नहीं कटा बोलेगा. बेबी काफी ऊपर हूँ और काफी मेरे नीचे है, मैं फीचर्स रहा बट मेरी क्रिसमस जो भी सीखे हैं कि कैसे लिखते बात अपने दिलों की इन पन्नों में. थोड़े सा लॉर मुझे लेजेंड्स में तुम गिनोगे. ऑल माय फैंस ये वाली लाइन तुम्हारे लिए, शुक्रिया तुम सबका, हाथ जोड़े हैं तुम्हारे लिए. तुम्हारी वजह से ही कलम है लॉयल फैन बेस, मेरा रैपरों को जलन है. हमारे मिली बिना प्रोमोस की ऑडियो. He got that fan base. He got that cold world. जिसके काफी सारे members हैं, जिसके काफी सारे fans हैं. It's a fact. इस मेरा rapperों को जलन है कि कैसे हमारे मिली बिना promos की audio ने center थी pop पे और बेटे घूमे audio में. मिली deal sign जिसने पैसे देखे कौड़ियों में, माँ की छाती चौड़ी उसने शेर पाले भेड़ियों में. खाना नहीं था बेड़ियों में, खून से हूँ दूर मैं, पर जब खाने को कुछ नहीं तो खून करने पे मजबूर हूँ मैं. जंगल में अगर रहना है तो शिकार करना पड़ेगा मेरे भाई. को कुछ नहीं तो खून करने पे मजबूर हूँ मैं. आज एक मिडिल क्लास बॉय, शीशे नीचे कर ले गाड़ी के तो ट्रैफिक जैम हो गए. कितने फैंस काटे हाथ, कितने छूना चाहते हैं ये खुदा माने मुझको. सिमिलर फेसेस यहाँ पे कुछ तो, एक दो सिमिलर फेसेस थे. पता नहीं क्यों मुझे गंदी आदत है वीडियो में चीजें कैच करने की. एक दो सिमिलर फेसेस थे इसलिए मैंने पॉज कर दिया, एक बार देख लो. तो ट्रैफिक जाम होए कितने फैंस का. वन इज गॉश, दिस वन इज गॉश, इट्स कलम. ये कौन है मुझे नो आइडिया. हाथ कितने छूना चाहते हैं. दिस इज हिट ह्यूमन राइट, आई गेस सो. दिस इज हिट ह्यूमन या माने मुझको क्योंकि गाने गाते हैं. मैं गले लगूं इनके, इनका पसीना भी प्यार है. मिडिल क्लास बॉय है, आपकी वजह से स्टार है. आई एम आउट फैंस. दैट इज समथिंग एवरी आर्टिस्ट वांट्स टू लिसन. ऑफिशियल ब्रो डोंट फिल मी बिच. अभी कहाँ है दैट फ्लेक्स, कहाँ से शुरुआत की. फ्रॉम द रैग्स टू द रिचेस और बीच में दैट शाउट आउट टू हिज फैंस की वट एवर ही इज. भाई आज जो कुछ भी है इट ऑल बिकॉज ऑफ देम एंड इट वॉज अ गुड ट्रैक मैन. दिस गाय मतलब मैंने बहुत लेट एक्सप्लोर किया था कलम इनको, बहुत लेट मीन्स मैं यूट्यूब बीच में एक साल के लिए मैंने नहीं किया था रिएक्शन वीडियो. मैंने यूट्यूब से बहुत दूर था, नॉट इवन आई एम लिसनिंग टू एनी ट्रैक्स, बट सडनली आई रिएक्ट वन ऑफ द ट्रैक और उसके बाद
I'm continuously reacting to him and I'm continuously listening to him. And he's a great artist, man. Great artist with a great potential to representing something very big. So it was a good track. Sunke maza aaya. Shout out to Kalaming, Grey Bass and everyone who is associated with this project. Achha tha track. तो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को प्यार देना. अब मिलते हैं अगले ट्रैक पे. तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम.